सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज हमने टाउन हॉल बत्तरगाम में एक मीटिंग बुलाई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि एडीसी सोपोर की चेयरमैनशिप में होने वाली थी, बट चूँकि उनको कुछ मसरूफियात पड़ गई तो वो नहीं आ पाए। उन्होंने मगर कहा कि आप ये मीटिंग करें, तो फिर तहसीलदार बत्तरगाम और हमने उस मीटिंग को कंटिन्यू किया। और इसमें हमने कुछ जो हमारे इशूज थे टाउन बत्तरगाम के विद कॉन्सर्न लाइन डिपार्टमेंट, वो हमने डिस्कस किए। उसमें से सबसे जो प्रोमिनेंट तीन हमारे डिपार्टमेंट जिनके साथ हमारे इश्यूज थे, वो थे R&B, PDD और पुलिस, और थोड़ा बहुत PHG। तो सबसे पहले जो मैं चाहती हूँ यहाँ पे बताना कि पुलिस के साथ हमारा एक इशू था कि हमें रिसेंटली मैंने एक वो उनको कंप्लेंट की थी कि यहाँ एक प्राइवेट सकर इलीगली ऑपरेट कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और वो किस तरह से डिस्पोजल वगैरह कर रहा है, वो भी उसकी भी जाँच हो। इस मामले में मैंने एक FIR के एप्लीकेशन भी उनको डाली थी जो उन्होंने एंटरटेन नहीं की। तो उसमें उन्होंने इनफैक्ट चालान भी उसको रेड हैंडेड भी पकड़ा था जब वो प्रॉपरली कर रहा था सकर ऑपरेशंस हदीपोरा में। मेरी कंप्लेंट की बेस पे उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उन्होंने उसको सीज भी किया गाड़ी को और उसको चालान भी किया, बट चालान में सिर्फ दिखाया था कि फाउंड विद नो डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद फिर उन्होंने उसका अपना रिलीज ऑर्डर भी ले लिया। अब मैंने उन्होंने बोला था कि मुझे आप उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि अगर वो एक गुड्स कैरियर व्हीकल है, जो कि मुझे सुनने में आया कि एक गुड्स कैरियर व्हीकल है, तो वो सकर कैसे ऑपरेट कर सकता है, क्या उसकी अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल के लिए परमिशन है या नहीं प्रॉपर, और अगर है चलिए ठीक है मान लेते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है, बट क्या उसके पास प्रॉपर डिस्पोजल साइट है, वो किस तरह से डिस्पोज कर रहा है, ना उसने म्यूनसिपैलिटी से कोई परमिशन ली है, ना ही कोई इन्फॉर्म किया है हमें इस बारे में, क्योंकि हमारे लिमिट्स क्या हमारे आसपास की हमें पता होना चाहिए कि डिस्पोजल कैसे हो रहा है, क्या उसको अगर अपनी लैंड है, अगर वो अपनी लैंड में डिस्पोजल कर रहा है, क्या उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC है, ये सब चीज़ें देखी जानी चाहिए, ताकि जो इस वक्त हमारा जो मार्केट इनफैक्ट इस वक्त वाइप किया है हुआ है उसने प्राइवेट सेक्टर में, वो हमें वापस रिस्टोर हो जाए, हमारा जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो लॉस हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, और हमारा जो कमेटी को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, और हमारी कमेटी फिर से सकर ऑपरेशन अपने बहाल कर सके, जो हम इस वक्त बहुत कम इनकम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट सकर, पहली बात। दूसरी बात, R&B के साथ हमने कुछ इश्यूज डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले तो फाउंटेन का मसला था, फाउंटेन पार्क शॉपिंग कम्प्लेक्स कम्युनिटी हॉल, ये कुछ काम थे जो डिस्प्यूटेड थे थोड़े बहुत। और फाउंटेन का तो थोड़ा सीपेज का मसला था जो अभी एक दो दिन पहले उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया है। अब बोल रहे थे वो कि उन्होंने एश्योरेंस दी है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोऑपरेशन अगर रहेगी तो ये मसले सारे जल्दी हल हो जाएंगे। उसके बाद PDD का हमारा मसला ये है कि वो स्ट्रीट लाइट्स हमें फंक्शनल नहीं हैं, और वो उस पर बोल रहे हैं कि आप प्रॉपरली एग्रीमेंट करें तब जाके हम आपके स्ट्रीट लाइट को कनेक्शन दे सकते हैं, हालांकि चूँकि ये पब्लिक यूज़ के लिए है और लोगों के मुफाद के लिए है तो इसमें हमें चार्जेस नहीं होने चाहिए थे, बट अब चूँकि वो अब बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हम दो या चार लाइट्स को रेस्टोरेशन कर सकते हैं, बाकी सब के लिए आपको एग्रीमेंट करना है, उसके लिए बाज़ाब्ता बिलिंग होगी और फीस पेमेंट होगी, तब जाके वो स्ट्रीट लाइट्स चलेंगी। तो हम उस चीज़ में हम फर्दर टेकअप करेंगे फॉर्मली उनके साथ, इंशाल्लाह हमने यहाँ से प्रपोजल भी भेजा है स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो जितना जल्दी वो अप्रूव होता है तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स भी फंक्शनल भी हो जाएंगी और नई स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी टाउन रोहतरगाम में।